पार्ट टू ऑफ द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा कॉन्सिक्वेंसेज देखो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज स्टार्ट करने से पहले एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने में मतलब कि इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है लेट्स सी जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो सबके दिमाग में क्या आता है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने चैप्टर सिक्स में भी पढ़ा था ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं और वो रो वो क्या रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड के अंदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू जो भी वो लोग पॉलिसी बनाते हैं उसके थ्रू वो क्या रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड के अंदर वो सब हमारे दिमाग में आता है वी नो अबाउट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और डब्ल्यू टी ओ अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैप्टर सिक्स के लिए आई बटन पर जाइएगा देन इस लेकिन हमें ग्लोबलाइजेशन को इतनी नैरो टर्म्स में नहीं देखना चाहिए हमें इतना छोटा नहीं सोचना चाहिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में कई सारे एक्टर इन्वॉल्व हैं ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तो इन्वॉल्व हैं आईएमएफ डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं लेकिन इसके अलावा भी कई सारे एक्टर्स इन्वाल्व हैं हमें थोड़ा दिमाग खोल के सोचना चाहिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए हमें ये भी देखना चाहिए कि इकोनॉमिक गेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस कितना हुआ है किस कंट्री को ज़्यादा मिला है इस ग्लोबलाइजेशन से किस कंट्री को कम मिला है फ़ायदा या फिर किस कंट्री ने कुछ खोया है तो ये सारी चीज़ें भी हमें दिमाग में रखनी चाहिए सिर्फ यही दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पॉलिसी बनाई इसके साथ ही हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए किसको क्या मिला है या फिर किसने क्या खोया है अब आगे ये कहते हैं कि वट इज़ ओफन कोल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व ग्रेटर इकनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो यूजअली क्या इन्वॉल्व करता है ज्यादा ग्रेटर इकोनॉमिक फ़्लोज इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़्लोज क्या होते हैं हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़े हैं ये जो फ्लोज होते हैं ये कई सारी फॉर्म्स ले सकते हैं जैसे कि कमोडिटीज़ कैपिटल पीपल या आइडियाज़ जब ये चीज़ें फ़्लो करती है कोई भी गुड या कमोडिटी फ़्लो करती है कैपिटल यानी कि पैसे फ़्लो करते हैं लोग या फिर आइडिया तो ये सब सारे फ्लोज़ हैं जैसे ये ग्रेटर इकोनॉम ज़्यादा बड़े स्केल पे होंगे तो उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा सो इट्स ऑल अबाउट द ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज सम ऑफ दिस इज़ वॉलेंट्री एंड समोर्स बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन पावरफुल कंट्रीज़ यानी कि कई बार तो कंट्रीज़ खुद ही मान जाती हैं जी हाँ हमें ग्लोबलाइजेशन करनी है और उनकी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हो जाता है लेकिन कुछ कंट्रीज़ को जो बड़ी पावरफुल कंट्री होती हैं या फिर ये जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई आई वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू ये फोर्स करती हैं कि आप लोग ग्लोबलाइजेशन करो आप लोग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स लाओ जहां पर मार्केट का जहां पे गवर्नमेंट का ऐसा मार्केट जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम हो और आप लोग ग्लोबलाइजेशन लाओ अपनी इकोनमी को थोड़ा लिबरल बनाओ ऐसा ये लोग या तो कंट्रीज खुद कर लेती हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर पावरफुल कंट्रीज फोर्स करती हैं कि आप ऐसा करो तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो डिफरेंट फ्लोज हैं कमोडिटी कैपिटल पीपल और आइडियाज के वो ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स में देखने वाले हैं पहले देखो पहली बात है कमोडिटीज की यानी कि गुड्स की जिन गुड्स के नीचे आप देखते हो मेड इन चाइना मेड इन कोरिया वगैरह वगैरह तो ये ग्लोबलाइजेशन ने कोशिश की है कि इनका इन गुड्स का ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई चीज़ बन रही है लेकिन हमारी कंट्री में वो जो बेची जा रही है या फिर ऐसा भी होता है कि एक ही कंट्री में नहीं बनता सामान डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बनता है और फिर हो सकता है वो हमारी कंट्री में बेचा जा रहा हो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस इस पर इम्पोज़ किए गए ये डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा ये कोशिश की गई कि ये रेस्ट्रिक्शंस कम रहें और ज्यादा से ज़्यादा कंट्रीज अपने अंदर ये इम्पोर्ट करें मतलब कि ट्रेड का जो रिस्ट्रिक्शन है ये बहुत कम रहे मिनिमल रहे ताकि कॉमोडिटीज़ ग्लोबलाइज सेल की जा सके मतलब एक कंट्री में हमने बनाया तो दूसरी कंट्री में पता है कंट्रीज क्या करती हैं कंट्रीज कई बार प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाती है जिसके अंदर वो लोग कुछ टैरिफ्स लगा देते हैं कुछ ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं या तो वो क्या करते हैं इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं कि ताकि वो जो चीज़ वो लोग बेच रहे हैं बाहर की कोई कंट्री बेच रही है उसका दाम बढ़ाने के लिए उस पर एक टैक्स लगा देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से या फिर एक कोटा फिक्स कर देते हैं कि इतने इतना ही आप बेचोगे इतनी क्वान्टिटी ही आप बेचोगे इससे ज़्यादा नहीं बेचोगे तो ये पूरी कोशिश की जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह के ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ्स जो हैं कंट्रीज ना लगाएं और ज्यादा अच्छा ट्रेड हो सके कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ये फोर्स करते हैं कि आप इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ देन नेक्स्ट इज द कैपिटल कैपिटल पे कई बार रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं लोग तो उसको भी रिड्यूस करी जाता है मतलब कि कंट्रीज़ कई बार रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस जगह पर नहीं करोगे कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ बना देती है कि यही करोगे तो इसको भी इन रिस्ट्रिक्शंस को भी खत्म करने की कोशिश की गई है ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अब रिच uh, कंट्रीज इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिच कंट्रीज़ हैं जो पैसे वाली कंट्री हैं ऑब्वियसली इन्वेस्ट वही करेगा जिसके पास फालतू पैसा होगा अब जिस कंट्री के पास अपनी पॉपुलेशन को खिलाने का पैसा नहीं है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास अपनी पॉपुलेशन को खिलाने तक का पैसा नहीं है उनके पास जब फालतू पैसा है ही नहीं वो इन्वेस्ट क्या करेंगे तो ओब्वियसली जो मेनली इकोनॉमिकली एडवांस्ड और रिच कंट्रीज होती हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं अब इसका मतलब ये हुआ कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग दैम वो उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं वो फ्री हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन सकते हैं वो फ्री हैं वो कहीं पर भी इन्वेस्ट करें तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न भी उनको आते हैं देन इज द ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज कुछ ऐसे आइडियाज जो कि हमको आ, हमारे कंट्री में कभी थे ही नहीं तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो आइडिया भी दूसरी कंट्री से फ्लो होके आ जाता है जैसे कि जो जितनी भी सर्विसेज हैं इंटरनेट और कंप्यूटर रिलेटेड वो इसका एक एग्जाम्पल है देन इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है अब यहाँ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कितना इजी फ्लो हो गया है गुड्स का और कैपिटल का इसके साथ ही आइडियाज का लेकिन अगर हम लोगों की बात करें अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों का फ्लो थोड़ा सा कम है क्यों है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक वीज़ा पॉलिसी बना रखी है आपको वीज़ा मिलेगा तभी आप उस कंट्री में जाओगे इतना इजीली आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते अब ये सब काम उन्होंने क्यों किया है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं ये डर है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी ये लोग जॉब ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वीजा पॉलिसी एक लगा रखी है और वो वीजा इशू करते हैं तभी आप आ सकते हो तो कहीं ना कहीं ये आज भी उतना जल्दी और उतनी डिग्री पर नहीं होता जितना कि कोमोडिटी और कैपिटल का फ्लो होता है अब ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं बायस्ड है डेवलप्ड कंट्रीज के कारण इसका ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन डिक्लाइन ही कर रही है लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है उनके पास पैसा अच्छा है और वो गुड्स भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं इस वजह से ये जो इतना इनको खुलापन मिला हुआ है तो ये ज़्यादा गेन कर पाते हैं लेकिन हम जो लोग हैं जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बम्पर पे है और जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम है वहीं पर ग्लोबलाइजेशन में इतना नहीं है कि वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा हल्का किया जाए वीज़ा पॉलिसी बहुत मतलब वीज़ा लगाना इज अ बहुत आगे की थिंग तो कहने का मतलब बहुत है बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज पुअर कंट्रीज लोग दे सकती है ज्यादा तो कहीं ना कहीं ये हल्का सा बाइस्ड है डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज से मेनली गुड्स और कैपिटल निकल के आता है जबकि डेवलपिंग कंट्रीज से मेनली लोग ही निकल कर आते हैं ओके okay. देन जो ग्लोबलाइजेशन है उसने हालांकि ये तो कोशिश की है कि हर कंट्री की सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसी हो लेकिन इसके जो आउटकम्स हैं ये डिफरेंट है हर कंट्री का आउटकम एक जैसा नहीं है इवन इफ पॉलिसी सेम है तो हमें कोई भी जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए बल्कि एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट उस चीज़ का देखना चाहिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन कर दिया यानी कि कुछ लोग इसके बहुत ही अगेंस्ट हो गए हैं और कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं उसी को हम देखेंगे पहले जो लोग ऐसे हैं जो कंसर्नड है सोशल जस्टिस के लिए जो सोशल जस्टिस के लिए कंसीडर कंसर्नड है वो ये कहते हैं कि अगर स्टेट ने अपना विदड्रॉल कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो इससे तो हमको बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि उन लोगों का क्या होगा अगर स्टेट उस चीज से हट गई और मार्केट को ये कोशिश की गई कि मार्केट ही अपने अकॉर्डिंग जो भी है डिसाइड कर ले स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो तो क्या होगा कि कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि रिच है उन्हीं को फ़ायदा होगा ऐसे लोगों का क्या होगा जो कि गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है फॉर देयर जॉब्स एंड वेलफेयर अपने रोज़गार के लिए या फिर एजुकेशन हेल्थ इन चीज़ों के लिए जो लोग गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से अगर गवर्नमेंट ने वहाँ से अपने हाथ खींच लिए तो ऐसे लोगों का क्या होगा मतलब ये तो हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है वो लोग ये कहते हैं जो इस तरह से सोचते हैं वो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को सोशल सेफ्टी नेट्स बनानी चाहिए ऐसे लोग जिनको कि नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से मेनली जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं जो पुअर लोग हैं उनको कुछ सेफ प्रोवाइड करनी चाहिए एक सोशल सेफ़्टी नेट्स बनानी चाहिए ताकि इन पर नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के वो ना हों अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सोशल ये जो सेफ्टी नेट्स हैं ये भी इनसफिशिएंट है और अनवर्केबल है मतलब उतने एनफ नहीं हैं वो दे कॉल फॉर अ हार्ड टू फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन ये मतलब ये कहते हैं कि ये क्या मतलब वो उन फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल भी फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो ये कहते हैं कि फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को स्टॉप कर दो अब्रप्टली स्टॉप कर दो अभी की अभी ख़त्म कर दो इस चीज़ को क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं ये जो वीक कंट्रीज हैं जो पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए इकोनॉमिकली लॉस लाएंगे और ये इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली द री ऑफ वर्ल्ड जहाँ पर जो पहले कंट्रीज जो गरीब कंट्रीज़ है जो पहले कभी किसी का गुलाम थी अब वो वापस से गुलाम हो रही है इकोनॉमिकली क्योंकि उनको इकोनॉमिक लॉस होता जाएगा और जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिक फ़ायदा होता जाएगा तो हम उनके फिर से गुलाम तो बन ही गए सो इट्स द री कॉलोनियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड अब जो एडवोकेट्स हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के वो ये कहते हैं वो ये ऑर्ग्यू करते हैं कि ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ ही लाएगा और लार्जर सेक्शन ऑफ और मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये वेल्बिंग well भी लाएगा जब डी रेगुलेशन होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा हम लोग रेस्ट्रिक्शंस कम रखेंगे और अच्छा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्योंकि अगर हर कंट्री में ज़्यादा ट्रेड होगा तो हर कंट्री वो काम कर पाएगी जिसके लिए वो बेस्ट है हर कंट्री स्पेशलाइज कर पाएगी किसी पर्टिकुलर चीज़ में और हर कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी और ये वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से वर्ल्ड जो है बेनिफिटेड है इस चीज़ से वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो इनएविटेबल है मतलब ये तो होना ही चाहिए मतलब तुम्हें इसे रेजिस्ट करना तो बेवकूफ़ी भरा काम है अगर हमें पूरे वर्ल्ड का भलाई चाहिए तो हमें ज्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे हम लोग हर कंट्री वो बनाएगी जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है और हर कंट्री बेस्ट करेगी ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा और हम लोग हर किसी को फायदा होगा हर किसी की वेल्पिंग होगी देन कुछ जो इसके मोर मॉडरेट सपोर्टर हैं जो थोड़े से मध्यम थोड़े से सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि हाँ ये माना कि ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अ चैलेंज ग्लोबलाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन हमें इसको रिस्पोंड करना चाहिए इंटेलिजेंटली हमें इसको ठीक करने की ओर बढ़ना चाहिए हमें ये डिनाई नहीं करना चाहिए इस उसमें कि हम हम एक दूसरे को हमारी कंट्रीज़ और गवर्नमेंट्स इंटरडिपेंडेंट हो रही है ज़्यादा इंटीग्रेट कर रही है बिजनेसेस ऑर्डिनरी पीपल यानी कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होने देना चाहिए हाँ जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके चैलेंजेस हैं उसको हमें एडिक्वेटली रिस्पोंड करना चाहिए अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि सारा का सारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट करो लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करो उसको सही करने की कोशिश करो द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक लेट्स सी देखो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हम जो खाते हैं जो पीते हैं जो पहनते हैं जो सोचते हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है हमारी क्या प्रेफरेंसेस होगी ग्लोबलाइजेशन हमारी प्रेफरेंसेस पर बहुत असर डालता है आप अपने घर में बैठे हो आप आपके ऊपर घर में बैठे होने के बावजूद आपके दिमाग पर ग्लोबलाइजेशन का असर द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फीयर दैट दिस कल्चर इन द वर्ल्ड जो कल्चरल इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का उसे हमें ये डर रहता है कि जो बाकी के कल्चर्स हैं उस पर खतरा है ये क्यों क्यों खतरा है ग्लोबलाइजेशन कल्चर्स पर क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ये कोशिश करता है कि जो यूनिफॉर्म कल्चर आए जिसको कि हम कहते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा कल्चर ही हो जाए सो दैट इज नोन एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन अब यूनिफॉर्म कल्चर कोई ग्लोबल कल्चर का इमरजेंस नहीं है कि पूरे ग्लोब का एक कल्चर नहीं यूनिफॉर्म कल्चर से हमारा मतलब है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका कल्चर दूसरी कंट्रीज के कल्चर पर इम्पोज किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड पर उनका कल्चर इम्पोज किया जा रहा है तो अब हर कहीं अगर वेस्टर्न कल्चर ही हो जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी हर कहीं वेस्टर्न कल्चर culture, सारे कल्चर्स पर खतरा है ना ये तो दिस इज नोन एज कल्चरल होमोजिनाइजेशन कि हर कहीं एक जैसा कल्चर हो गया है देन हमने सॉफ्ट पावर हैजमनी के बारे में पढ़ा था यूएस की चैप्टर थ्री में बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें क्या था कि बर्गर ब्लू जीन्स का बहुत असर है हमारे दिमाग पे मतलब आ, हम माने या ना माने पूरे वर्ल्ड पर अमेरिकन वे ऑफ लाइफ जीने का अमेरिकन तरीके से जीने का एक उसको मॉडर्निटी से जोड़कर देखा जाता है ब्लू जीन्स को बर्गर को पिज़ा को कोका कोला को इन सब चीज़ों को जैसे एक अमेरिकन वे एक मॉडर्निटी का वे देखा जाता है क्योंकि ये सारी वेस्टर्न चीज़ें हैं और हमारे दिमाग में ये घुसाया गया है कि यही बेस्ट कल्चर है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इट्स ऑल हैजमनी द कल्चर ऑफ पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन द लेस पावरफुल सोसाइटी ऐसे कंट्रीज uh, का कल्चर जो कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी पावरफुल हैं हमसे, हम जैसी कंट्रीज से जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पावरफुल हैं उनका कल्चर जो है हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं ओवरपावर कर लेता है और हम लोग कहीं ना कहीं उसी वेस्टर्न कल्चर में अब एक मॉडर्निटी ढूंढने लग जाते हैं और वर्ल्ड जो है ज्यादा दिखने लग जाता है जैसा डोमिनेंट पावर को देखना चाहती है लोग जो लोग ये आर्गुमेंट देते हैं वो ये वो किस की कि तरफ अटेंशन देते हैं कि वर्ल्ड का मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है देन ये सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए डेंजरस नहीं है जिन कंट्रीज़ का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर है क्योंकि हमारे ग्लोब की इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारी पूरे वर्ल्ड में हम इसको ख़त्म कर रहे हैं और एक ही कल्चर को हम अपना रहे हैं देन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कल्चरल कॉन्सिक्वेंस सिर्फ नेगेटिव हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी हैं देखो कल्चर्स कोई स्टेटिक चीज़ नहीं है कोई आ, ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी भी चेंज नहीं होगी हमेशा कल्चर्स पर आउटसाइड कल्चर का इन्फ्लुएंस आता है और आ, एक दो कल्चर्स के मिक्सअप होते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडिफाई भी करते रहते हैं टाइम के साथ साथ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हमारे कल्चर पर जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं नेगेटिव तब हो जाते हैं जब हमारी चॉइसेस रिड्यूस हो जाती हैं जब हम अपना कल्चर छोड़ करके दूसरे के कल्चर पे शिफ्ट होने लग जाते हैं लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि हम अपने कल्चर के साथ तो हैं ही लेकिन दूसरे का कल्चर भी अपना रहे हैं तो हमारी चॉइसेस इंक्रीज़ हो रही है हम अपना कल्चर छोड़ नहीं रहे हैं हम अपनी चॉइसेस को एनलार्ज कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ अगर हम अपनी चॉइस को रिप्लेस करते हैं एक दूसरे कल्चर से तो वो प्रॉब्लम है अब जैसे कि एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है हाँ छोटा सा एग्ज़ाम्पल ये है खादी कुर्ता के ऊपर जीन्स आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग नीचे ब्लू जीन्स पहन लेते हैं ऊपर खादी कुर्ता पहन लेते हैं तो ये इस चीज़ को हम कल्चरल हैट्रोजिनाइजेशन कहते हैं हमने पहले कल्चरल होमोजिनाइजेशन देखा था यहाँ पर है कल्चरल हैट्रोजिनाइजेशन जहाँ पर हर कल्चर एक डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव बन गया है और हम लोग अपने कल्चर को रिप्लेस नहीं कर रहे बल्कि उसकी चॉइसेस बढ़ा रहे हैं देन हम लोगों ने इंटरेस्टिंगली ये जो क्लोथिंग कॉम्बिनेशन है खादी कुर्ता के नीचे जीन्स ये हमने उसको भी एक्सपोर्ट की है जिससे हमने ब्लू जीन्स ली है दैट इज अमेरिका और आप यंग अमेरिकन को भी कुर्ता और जीन्स पहने देख सकते हैं सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट दिस एंड होना क्या चाहिए कल्चरल हैड्रोजिनाइजेशन होना चाहिए हर कल्चरल कल्चर को बचा करके रखना चाहिए और इंडियन कल्चर इज़ द आई आई पर्सनली फील इंडियन कल्चर इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट कल्चर और हमें इसे बचाना है और ये कोशिश करनी है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर को ओवर पावर ना कर सके बिकॉज़ आई फील आर कल्चर टू बी द बेस्ट एंड्स सो so, uh, यहाँ पर एक प्लस का ये है घोष एंड इंडियन अगैन आप पढ़ना ज़रूर इसको एक अमेरिकन है हर अमेरिकन ऐसा नहीं करता लेकिन एक अमेरिकन था जिसने uh, जिसने एक फोन किया और जब उसे ये पता चला कि मेरा फ़ोन कॉल सेंटर पे एक इंडियन ने उठाया तो उसने ये बात कहा ओ माय गॉड दोबारा से इंडियन प्लीज मुझे किसी अमेरिकन से बात कराओ क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इंडियंस चाइनीज इन लोगों ने हमारी जॉब जो है वो चुरा ली है सो यू यू कैन हैव अ लुक ओवर इट देन एंड एंड आई विल एक्सप्लेन इंडिया ग्लोबलाइजेशन इन द नेक्स्ट पार्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग इट इफ यू लाइक प्लीज टू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब द चैनल स्टेड फोन